दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग। शहर में लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है। शहर के अधिकतर परिसर में चोरी की घटनाएं हो रही है। एमआरडीसी में भी घटना में सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की फोटो आई है, मगर फिर भी अभी तक पुलिस को आरोपी को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है। ऐसे में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। खापरखेड़ा के पिपला डाक बंगले के तुलसी सोनी ज्वेलर्स में भी डकैती का प्रयास किया गया। 3 अज्ञात आरोपी बाइक से आए और शटर बंद कर दिया। आरोपी के पास पिस्तौल भी थी। यह देख महिला ने शोर मचाया और आरोपी भाग गए। पता चला है कि सभी आरोपी 20 से 25 वर्ष के है। खापरखेड़ा थाने के तहत आने वाले पिपला डाक बंगला के तुलसी सोनी ज्वेलर्स में डकैती का प्रयास किया गया। घटना शाम करीब 7 बजे की बताई जा रही है। 3 अज्ञात आरोपी बाइक से आए और शटर बंद कर दिया। 2 आरोपियों के हाथों में पिस्तौल भी थी। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के करीब थी। दुकान में दुकान मालिक राम मिलन सोनी व उनकी पत्नी सीमा बैठे थे। तभी 2 आरोपी दुकान के पास खड़े हो गए। 3रा आरोपी दुकान का शटर बंद करने लगा। खतरा भांपते हुए श्रीमती सीमा घर के अंदर भागी और पीछे जाकर चिल्लाने लगी। लोगों को इकट्ठा होते देख बदमाश भाग गए। आपको बता दें कि खापरखेड़ा थाने के तहत वल्ली सिल्लेवारा चंदकापुर यह बेहद ही संवेदनशील इलाके हैं। इन जगहों पर अपराधियों का बोलबाला है। खुलेआम अनैतिक कारोबार चलते रहते हैं। आए दिन इन जगहों से माउज पिस्टल देशी कट्टे घातक हथियार पुलिस बरामद करती रहती है। इन इलाकों पर जहां अपराधी बेखौफ है, वहीं इन सब अपराधों में कहीं न कहीं पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है। तभी तो बदमाशों को पुलिस का एकमात्र डर नहीं है। ऐसे में आला अधिकारियों ने मामलों पर ध्यान देकर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। महाराष्ट्र TV 24 के लिए रितेश बोरकर और प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट, नागपुर।